स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ऋषिकुल कैंपस, हरिद्वार, आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन है, इसका टॉपिक हमने रखा है कि हाउ बैड आर फूड प्रिजर्वेटिव्स फॉर यू। जो आप देखते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, और भोजन के बिना किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चल सकता है। कहना चाहिए कि फूड इंडस्ट्री इसी पर ही आधारित है, और धीरे धीरे दिन पर दिन फूड इंडस्ट्री इंक्रीज ही हो रही है, क्योंकि हमें नित प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए खाने, नए इनोवेशंस और टेस्टी चीजें हमारे लिए अच्छी लगती हैं। तो इन सब चीजों को टेस्टी बनाने के लिए धीरे धीरे लोगों ने, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिजर्वेटिव्स को हमने यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रिजर्वेटिव यूज करते समय हम ये भूल गए कि उन प्रिजर्वेटिव का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या खराब है। इस बात को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि एक कहना चाहिए कहानी एक सुनाना चाहूंगी कि किस तरीके से हम पुराने जमाने में भी फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज करते थे, बल्कि कहना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते थे। दो चीजें आती हैं कि प्रिजर्वेटिव हैं क्या, क्या उन्हें अपने भोजन में यूज करना आवश्यक है, और उन प्रिजर्वेटिव से हमें क्या नुकसान ही है या कुछ फायदे भी हैं। तो एक छोटी सी कहना चाहिए, मैं एक कहानी से इसको शुरुआत करूंगी कि आपने सभी ने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो अचार डाला करते थे। तो अचार डालने के लिए उसमें हम या तो थोड़ी अधिक मात्रा में नमक मिलाते हैं, कई बार यदि हम मीठा अचार बनाते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट होता है, या विनेगर यूज करते हैं, या फिर वो जो हम स्पाइसेस यूज करते थे। तो ये जितनी भी चीजें थी हमारी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स थी। एक्चुअली प्रिजर्वेटिव है क्या, प्रिजर्वेटिव से कहना चाहिए कि आप क्या मतलब समझते हैं। तो इन शॉर्ट यदि हम एक सामान्य भाषा में कहें तो अकॉर्डिंग टू FSSAI मींस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, प्रिजर्वेटिव वो चीजें हैं जिनको यदि हम भोजन में मिलाते हैं तो वो उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती हैं, या फिर उनके उनको सड़ने के प्रोसेस को रिटार्ड करती हैं, साथ में उनका डीकॉन्टेमिनेशन और एसिडिफिकेशन होने से भी उनको रोकती हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं हमारी, वो हम यदि प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं तो उनके माध्यम से हम अपने भोजन की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं। शेल्फ लाइफ माने कि यदि कोई चीज हमारी 1 या 2 दिन में सड़ने वाली है तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिनसे हम उन्हें 3 से 6 महीने या 1 साल तक भी उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब पहले तो लोग इन चीजों को प्रयोग में नहीं लाते थे, अब क्यों लाना शुरू कर दिया? तो आपने देखिए पहले कैसे करते थे। एक प्रश्न हो सकता है ये भी उठे कि पहले लोग कैसे फूड का प्रिजर्वेशन करते थे। तो जो चाइनीज थे वो चाइनीज लोग क्या करते थे कि पैराफीन को जला करके उससे इथाइलीन और प्रोपाइलीन गैस निकलती थी, उससे वो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाते थे। वो ऐसा कुछ प्रोसेस करते थे कि उस मोम के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को दबा के रख दिया, और उसके बाद उसकी जो गैस है उससे वो राइपन हो जाते थे। देन जो ग्रीक्स थे वो
जैसे वाइन को फर्मेंट करना है तो उस ड्यूरेशन में क्या करते थे, उनमें कुछ रेजिन्स डाल देते थे कि उन्होंने किशमिश या मुनक्के जिस समय उनकी अल्कोहल फर्मेंट हो रही है तो उसके अंदर वो डाल के रखते थे, तो जिसकी वजह से फर्मेंटेशन बेटर होता था, उस अल्कोहल के अंदर या वाइन के अंदर खटास आ जाती थी। बेसिकली जो अल्कोहल है जब वो फर्मेंट होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रोसेस तो हो ही जाता है फर्मेंटेशन का, लेकिन उसका और प्रिजर्वेशन करने के लिए वो इन चीजों का यूज करते थे। इसके अलावा जो रोमन्स थे, रोमन्स यूज करते थे वेनेगर, क्योंकि वेनेगर क्या है हमारा, एसिटिक एसिड, तो वो वेनेगर का यूज करते थे अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए। इसके साथ साथ जो इजिप्शियंस थे वो सेफ्रन का प्रयोग करते थे, जो आपने देखा होगा हम लोग भी जब अपने भोजन के अंदर कलरिंग के लिए नेचुरल चीजों को भी कई बार यूज करते हैं। आजकल तो हम सीधे मार्केट से फूड कलर ले आते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो फूड कलर ना ला करके हम कुछ नेचुरल हर्बल चीजें यूज करें। जैसे केसर है, केसर आपको येलो कलर देगी, या टर्मरिक है, या मैरीगोल्ड, गेंदे के जो फूल होते हैं उनसे भी हमें येलो कलर मिल सकता है। तो इन चीजों को यदि हम अपने भोजन के अंदर डालते हैं तो उससे हमें एक नेचुरल कलर भी मिलता है और हमारे स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसके साथ साथ यदि आपको जैसे ग्रीन कलर बनाना है तो लोग उसके लिए स्पिनेच और क्लोरोफिल्स यूज करते थे लीव्स का, या फिर हमें पर्टिकुलर पिंक कलर है या ब्लू कलर है या मॉव कलर है, इस तरीके के कोई डिफरेंट कलर्स बनाने हैं तो आप उन डिफरेंट फ्लावर्स की पेटल्स को लेकर के उनका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, उससे आप अपने रिएजेंट अपने भोजन की कलरिंग कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमें मेहनत तो कम करनी पड़े और हमें तुरंत ही उसका रिजल्ट मिल जाए, तो उसकी वजह से हमने डिफरेंट डिफरेंट फूड कलर्स यूज करने शुरू कर दिए। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि यदि जो भी आप कोई कलरिंग मटेरियल यूज करते हो तो वो कलरिंग मटेरियल हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। बेसिकली हम कलरिंग मटेरियल कहाँ यूज करते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा जिस समय हम बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, या आपके फ्रोजन डेजर्ट हैं, बहुत सारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या हमारे कार्बोनेटेड बिवरेजेस हैं जिसमें कि आप बॉटल खोलते ही गैस निकलती है, उन सब तरीके की चीजों में हम कलरिंग एजेंट्स डालते हैं। एक प्रश्न अशोक जी पूछ रहे हैं, क्या मार्केट में मिलने वाले पैकेट आइटम लेने चाहिए? बिल्कुल, हाँ, मैं सब इसी प्रश्न पर जाती हूँ आपके। आपने जो बात करी है कि मार्केट में जो पैक्ड आइटम मिलते हैं, अब वो पैक्ड आइटम जो है हमारे कई तरीके के हैं। आपने देखा होगा कोई भी आइटम ऐसा नहीं होगा जो, चाहे वो टेट्रा पैकिंग हो या सिंपल पैकिंग में मिल रहा हो आपको, उन सब के ऊपर लिखा होता है जो उनकी एक्सपायरी डेट होती है कि 3 से 6 महीने, या विद इन अ मंथ, या 1 ईयर, बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स। इस तरीके से कुछ ना कुछ उन पर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। तो होता क्या है कि जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें इतने समय तक रखने के लिए कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स, कुछ ना कुछ एडिटिव्स डालने ही पड़ेंगे। तो एक इस चीज को बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपने बचपन में अपनी साइंस की बुक्स में कुछ ना कुछ मेथड्स पढ़े होंगे प्रिजर्वेशन के। हमारे दो तरीके के मेथड्स हुआ करते थे, तो फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स हमारे, जैसे कि आपने पढ़ा था कि पास्चराइजेशन हम करते हैं, आजकल भी करते हैं, आप जितने हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, आप देख रहे हैं मदर डेयरी का, अमूल का, या बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं। लेकिन आप नोटिस करें उस पर जो डेट होती है वो हार्डली 1 या 2 दिन की ही होती है, उसके बाद यदि आप उस दूध को यूज करेंगे तो वो फट जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उस दूध को ला करके फ्रीजर में जमा देते हैं, तो ये भी एक मेथड है प्रिजर्वेशन का। लेकिन इस तरीके से हम बहुत दिनों तक अपने भोजन को प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो इधर चाहे हम पाश्चराइजेशन करें, या हमने उसको ड्राइंग प्रोसेस करा उसमें हमने, या फिर हमने कोई ऐसा प्रोसेस करा कि फ्रीजिंग कर दी,
उसको जैसे डीप फ्रीजर में डाल दिया, तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि आप अपने उस भोजन के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको आप थोड़े समय के लिए रिटार्ड कर दोगे, वो प्रोसेस जो है माइक्रोबियल ग्रोथ का वो स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपका फूड धीरे 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 सड़ने लगेगा। तो हार्डली आप जैसे फ्रीज में भी कोई सामान रखते हैं तो वो हम 1-2 दिन तक ही उसको खा सकते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होने लगेगा। इसीलिए जितना भी हमारा भोजन ताजा होता है, फ्रेश होता है, उतना बेटर होता है। दूसरी चीज एक और आती है जो अशोक जी आपने पूछी कि जितने भी हमारे बंद पैकेट्स हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कभी अपने पैकेट्स जो आप लेते हैं मार्केट से उसके पीछे उसका कंपोजिशन पढ़िए। उसमें क्या होता है कि कई चीजें मिली होती हैं जो हमारे सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होती। पहले मैं इन शॉर्ट इसे बताना चाहूंगी कि नॉर्मली हम जो भी चीज लाते हैं मार्केट से, तो जो चीज आप मार्केट से लाते हैं उसके अंदर पहली बात प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, कलर स्टेबलाइजर्स होते हैं, इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो सकते हैं, स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं, और आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए और भी चीजें उसमें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, थिकनर्स हो सकते हैं और डाइज भी हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही चीज किसी एक प्रोडक्ट के अंदर हो, कि हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट में केवल कलरिंग एजेंट ही पड़े हो, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स हैं हमारे वो सब में होते हैं। अब पर्पस क्या होता है नॉर्मली प्रिजर्वेटिव्स का, कि ये जितने भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे फूड के अंदर जितनी भी ग्रोथ है, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल हो, एंटीमाइक्रोबियल हो, उस ग्रोथ को डिक्रीज करती है। जैसा प्रफुल्ल जी पूछ रहे हैं कि आर टेस्ट एनहांसर इन सॉल्टेड स्नैक्स लाइक चिप्स एटसेट्रा गुड और बैड फॉर हेल्थ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि ये जितनी भी चीजें आप लेते हैं मार्केट से, जैसे आपने नोटिस करा होगा कि सबसे बड़ा इसका कारण होता है हमारा मीडिया किसी चीज को खरीदने का, कि जैसे ही आप टीवी पे उसका एड बार बार देखते हैं रिपीटेडली कि भाई अब वो पर्टिकुलर कोई एक्टर है, वो पूरा पैकेट उसने कहा कि ये मैं खा रहा हूँ कुरकुरे, या किसी ने पर्टिकुलर कोई चिप्स या कोई भी चीज है और उसको वो पूरा फिनिश कर जाएंगे पैकेट को, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि आप 1-2 चिप्स मार्केट से जो पैकेट लाए हैं, यदि आप उसके 1-2 चिप्स खाने के बाद क्यों नहीं रुक पाते हैं, आपका मन क्यों करता है कि मैं पूरा पैकेट ही खत्म कर दूं, तो उसका कारण यही है कि उसमें कुछ ना कुछ हम ऐसी टेस्ट एनहांसिंग, जो मैंने आपको नाम दिया, कि हम कुछ ना कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐसे डालते हैं जो हमारी टेस्ट बड्स को इनिशिएट करते हैं, हमारी इच्छा करती है कि हम उस चीज को और खाएं और खाएं, और नेक्स्ट टाइम आप फिर से खाएंगे। आप घर के बने हुए जो सिंपल चिप्स होंगे उनको खाना पसंद नहीं करेंगे, तो वो जो टेस्ट है वो चिप्स की वजह से नहीं है, उसके अंदर जो हमने एनहांसर्स डाले हुए हैं उसकी वजह से ही वो टेस्ट है। अब वो एनहांसर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे आप देखिए कि कुछ में हम लोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते हैं जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं MSG, कुछ में हम यूज करते हैं एस्पार्टेम, या फिर कुछ में हम केमिकल फ्लेवर्स भी यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को बनाना आइसक्रीम बनानी है या चेरी आइसक्रीम बनानी है, तो यदि उसको बनाना फ्लेवर की आइसक्रीम डेवलप करनी है तो आप ये समझ लीजिए कि यदि ओरिजिनल या हम कहें कि नेचुरल उसको एनहांसर निकालना है, तो हम क्या नॉर्मली क्या होता है उसके अंदर, आपने देखा होगा कि आप एसेंस डालते हैं, जैसे हम लाते हैं मार्केट से वनीला एसेंस, रोज एसेंस, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट हम स्ट्रॉबेरी एसेंस, ये सब डाल करके उनका फ्लेवर बढ़ाते हैं। तो यदि किसी को नेचुरली उन को निकालना है, तो आपको यदि आधा लीटर बनाना ऑयल चाहिए तो उसके लिए आपको लगभग 5 टन केले लेने पड़ेंगे।
तो आप इमेजिन करिए कि आप इतनी अधिक मात्रा में जब केले लेंगे और उससे निकलेगा जो आपका ऑयल है वो केवल 1/2 लीटर, तो उसको तो बहुत नुकसान हो गया जो कंपनी है। तो वो क्या करते हैं, बनाना फ्लेवर के लिए आपने केमिस्ट्री, यदि जो मुझे सुन रहे हैं हो सकता है उनमें से किसी ने पढ़ रखा हो, तो एसीटोन की स्मेल वाले हमारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फ्रूट लाइक स्मेल आती है। तो हम बनाना फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, हमारा होता है एस्टर सी पेंटाइल एसिटेट। इसको हम उसके कुछ ड्रॉप्स यदि उसके अंदर डाल दें तो वो बनाना का पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको चेरी फ्लेवर लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेंजाइल एल्डिहाइड। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मेरा कहने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करते ही रहते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये फूड केमिस्ट्री की वजह से ही ये फूड इंडस्ट्री इतनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। आज से पहले तो इतना ज्यादा मार्केट में रेडीमेड चीजें नहीं मिलती थी, यदि आप पीछे देखें 10, 20, 30 साल पहले, तो धीरे धीरे हम इन चीजों के आदी होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नई कंपनीज आती हैं वो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ वो नई चीज इंक्लूड करती हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये प्रिजर्वेटिव्स, आज हम पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एक फूड केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको एक मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो पहले बात तो ये जो मैंने अभी बताया आपको कि FSSAI ने कुछ अपनी गाइडलाइंस बना रखी हैं जिसके आधार पर वो ये कहते हैं कि आप जो भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव, आप जो केमिकल प्रिजर्वेटिव भी यूज कर रहे हैं यदि नेचुरल की जगह पर, तो आप क्या यूज करेंगे, ऐसा प्रिजर्वेटिव आप यूज कर सकते हैं जिससे कि फूड की क्वालिटी इंप्रूव हो ना कि खराब। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि फूड की जो अपियरेंस है वो भी बेटर हो, उसका टेक्सचर बेटर हो, ऐसा प्रिजर्वेटिव आप यूज करें। तीसरी चीज, आप किसी भी कस्टमर को डिसीव ना करें, धोखा ना दें, कि जैसे हमारे जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज आपको मिलानी है प्रिजर्वेटिव की, नॉर्मली हम लाइसेंस तो ले लेते हैं लेकिन उसमें उससे अधिक मात्रा भी कई बार हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो जाए इस वजह से हम उसमें मिला करके रख देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रिजर्वेटिव आप यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उसकी हेल्थ में कोई इश्यू ना हो और उसको टॉक्सिकोलॉजिकल पहले उसका डिटर्मिनेशन हो चुका हो, ऐसे मापदंड पे वो खरा उतरा हो कि इन प्रोडक्ट को लेने के बाद उस व्यक्ति के अंदर कोई टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि सामान्यतः जो भी व्यक्ति इन चीजों को खा रहा है तो हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, जो टॉक्सिसिटी है वो तो हमें बाद में पता चलती है, बाद में ऐसा भी नहीं कि तुरंत बाद, कई सालों के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये टॉक्सिसिटी आपको इसके कारणवश हुई है। हो सकता है कि कुछ सेंसिटिव लोग हों उनमें जल्दी पता चल जाए, अदरवाइज हमें बाद में ही पता चलता है। एक चीज और छोटी सी कहना चाहूंगी कि कुछ हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं जिनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने घरों में किसी भी चीज को रखने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो यूज करते थे शुगर, यूज करते थे सॉल्ट, यूज करते थे स्पाइसेस, यूज करते थे इसके अलावा हनी यूज करते थे, एडिबल ऑयल्स हैं, ये सब चीजें हमारी नेचुरली माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करती हैं। और हमारी कुछ हर्ब्स भी हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे कि आपका आप देखिए तुलसी है, इलायची, लौंग, दालचीनी, धनिया, जीरा, सौंफ, इसके अलावा लहसुन, प्याज, ग्रेप्स, पुदीना, सरसों, जायफल और ब्लैक पेपर, ओरिगेनो, थाइम और रोजमेरी। ये सारी चीजें, एक मैंने एक लंबी लिस्ट बता दी है आपको, लेकिन आप देखेंगे ये कोई नई नहीं है, ये सारी चीजें हमारी किचन में उपलब्ध हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी किचन जो है एक तरीके की आयुर्वेदिक फार्मेसी होती है, जहाँ हम जो भी भोजन पकाते हैं उसका जो संस्कार करते हैं, उसका जो पाक करते हैं, वो एक पवित्र
चीज मानी जाती थी कि भोजन को पकाना भी एक कला कही जाती थी, कि पाक कला है ना, कि कौन पाक कला में कुशल है। तो इस तरीके की चीजों को आप किस चीज को किस कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जब तक आप ये आर्ट नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने भोजन को प्रिजर्व भी नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न अंकुर जी पूछ रहे हैं मुझसे, वेजिटेबल्स इन द मार्केट ऑल्सो हैव एडिड कलर्स, इज इट नॉट हार्मफुल? डेफिनेटली ये हार्मफुल है, और मैं वही धीरे धीरे उसी टॉपिक पर आ रही हूँ, क्योंकि आजकल हमें जो वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं वो भी देखने में सुंदर होनी चाहिए। तो आप जैसे माना एप्पल खरीदने जा रहे हैं, तो एप्पल आप देखेंगे कि बिल्कुल चमकीला लाल, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो मोम रगड़ देते हैं ताकि वो और बेटर दिखाई दे। या आप जैसे केले खरीद रहे हैं, तो केले हम कैसे कर रहे हैं, कार्बाइड में पके हुए हैं, या नॉर्मली हमारे जितने फ्रूट्स हैं वो नेचुरली ना पका पकाई जा करके हम उसे आर्टिफिशियली पका रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा पिछले दिनों कि भाई लौकी और तुरई की बेल में इंजेक्शन लगाया रात में, और मॉर्निंग में वो इंक्रीज हो गए साइज में। तो इस तरीके के हमारे जैसे उसमें हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, वो लोग उस कंडीशन में वो वेजिटेबल साइज में बड़ी हो गई, आप सुपर मार्केट में उसको बेच सकते हैं। लेकिन वो जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते रहने से रूटीन में क्या होगा, कि यदि आप इस प्रकार की वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और मैं वही उस बात को आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारी सब्जियां घर पे उगाएं, लेकिन कोशिश करें कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी सिस्टम है, लोग किचन गार्डन बना रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सके उसको चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को। अदरवाइज जो भी चीज आप यदि मार्केट से ला रहे हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश करके तभी उसको अपने यूज में लें, क्योंकि हम इन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड या फिर जो एडिड कलर्स हैं उनसे बच तो नहीं सकते, कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें हर एक चीज में एडल्ट्रेशन होता जा रहा है, मिलावट हो रही है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, आप नॉर्मली यदि मार्केट से कोई सब्जी लाते हैं तो आपने देखा होगा उसको पहले लोग पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के अंदर रख देते थे, है ना? या फिर जो है आप ये भी कर सकते हैं, उसके लिए आप पानी के अंदर 2 टेबल स्पून नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच खाने वाला सोडा, और 1 चम्मच आप सिरका, ये डाल करके अपनी जो भी आप वेजिटेबल या फ्रूट्स ला रहे हैं उनको कम से कम 10 मिनट तक डिप करके रखिए। आफ्टर दैट आप उसको निकाल करके सिंपल पानी से धो लीजिए, तो वो कम से कम जो ऊपर उनके कलर्स लगे हुए हैं, जो एडिड कलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज उनकी डाउन हो जाएगी, या उसमें जो भी बाहर बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो एडिड कलर्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये हमारी हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे मैंने आप अशोक जी ने प्रश्न पूछा था कि पैकेट्स पे जो आइटम होते हैं, तो मैं ये ध्यान आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मली जितने भी हमारे पैकेट्स होते हैं आप उसका कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें कोडिंग सिस्टम में नीचे नंबर्स पड़े होते हैं, ये अलग अलग कोड्स अलग अलग चीजों के होते हैं। मैं शायद आज कंप्लीट तो ना बता पाऊँ आपको, फिर नेक्स्ट सेशन में हो सकता है यदि कुछ पार्ट बचता है और आपको लगता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में भी इसको लूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कहना चाहिए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हम स्पेशली हमारे एंटी जो माइक्रोब्स को रिटार्ड करते हैं उनकी ग्रोथ को, और हमारे फूड के स्पॉयलेज को रोकते हैं, वो क्या क्या हैं? हम जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं वो है हमारे बेंजोएट्स, जो आपने नाम सुना ही होगा, आपने आप अचार वगैरह में भी डालते हैं सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट हमारा मोस्ट कॉमन है, जो आप अचारों में स्पेशली और जैम्स में, जेलीज में, और इनके कई जो आपके सीरप्स आते हैं, जैसे आपने सुना है कि चोको सीरप है ना, या स्ट्रॉबेरी सीरप, इस तरीके के जितनी भी हमारे सीरप्स मिलते हैं मार्केट में, उनमें सोडियम बेंजोएट का हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा FDA है, फूड ड्रग एडल्ट्रेशन के लिए जो हमारी कमेटी है,
वो ये कहती है कि ये सोडियम बेंजोएट 0.2% मैक्सिमम लिमिट इसकी उन्होंने बना रखी है कि आप अपना जो भी मटेरियल मार्केट में बेचेंगे वो 0.2% से ज्यादा उसमें सोडियम बेंजोएट नहीं होना चाहिए। और यदि आपने उसमें एस्कॉर्बिक एसिड को भी यूज करा है तो वो केवल 0.1% होना चाहिए, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड अपने आप में एक दूसरा प्रिजर्वेटिव है। मैं अभी आगे आपको ये भी बताऊंगी कि इनके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पर। तो ये जो बेंजोएट्स होते हैं हमारे, ये आप कभी कोडिंग देखेंगे तो यदि E210 से लेकर 219 के बीच की कोडिंग यदि उसमें लिखी हुई है पैकेट के अंदर, क्योंकि नॉर्मली कई बार कुछ पैकेट्स पे सोडियम बेंजोएट ना लिख करके ये लिखा होगा E211 या E210 या 218, तो इट मींस कि उसमें हमारा सोडियम बेंजोएट पड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज याद नहीं रह सकती, या ये समझ भी सकते हैं आप कि यदि ये वाली कोडिंग है तो इट मींस कि इसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, जो कोडिंग आपकी ई से शुरू हुई है। दूसरे हमारे होते हैं सॉर्बेट्स, जो प्रिजर्वेटिव की तरह हम यूज करते हैं। इनकी हमारी कोडिंग होती है E200 से लेकर के 209 तक। ये जो सॉर्बेट्स होते हैं, जो हमारा सेफ्टी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये होने चाहिए हमारे 0.3 से भी कम, तो इनकी इतनी कम मात्रा यूज करनी चाहिए। ये सॉर्बेट हम क्यों यूज करते हैं? नॉर्मली जो यूज करते हैं वो आप समझ लीजिए कि एक वाइट फ्लफी पाउडर जैसा आपको मार्केट में मिलेगा यदि आप कहीं लेने जाएंगे, और ये सोडियम और पोटेशियम सॉर्बेट के नाम से मिलता है। और जहां भी पीएच वैल्यूज ज्यादा होती हैं, 6.5 से ज्यादा होती है, वहां कंपनीज इस प्रिजर्वेटिव को यूज करती हैं। तो जितने भी हमारे चाहे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और जूसेस हैं, पिकल्स हैं, सीरप्स हैं, जेलीज हैं, जैम्स हैं, इन सब में कई बार सॉर्बेट्स का यूज होता है। आप कभी इनके डब्बे पे देखेंगे, जैसे मिक्स्ड पिकल्स हैं या जैम्स के डब्बे हैं, तो उनका कंपोजिशन देखिए। तीसरे हम जो यूज करते हैं वो है हमारे नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स जो है हमारे वो E220 से लेकर 229 तक होते हैं। ये जो हमारे नाइट्राइड्स होते हैं ये भी 0.1% इनकी परसेंटेज निर्धारित करी गई है। इसमें जो नाइट्राइड्स होते हैं इसमें एक आता है नाइसिन पेप्टाइड करके। ये नाइसिन पेप्टाइड जो है केवल एक अकेला ऐसा नेचुरल कहना चाहिए, है तो केमिकल लेकिन ये इस तरीके का प्रिजर्वेटिव है जिसे आप यूज कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल नहीं होगा। फिर जो हमारे नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव और जो हम यूज करते हैं रूटीन में वो है हमारे सल्फाइड्स। सल्फाइड्स हमारे जो प्रिजर्वेटिव है वो सल्फाइड्स, जैसे आप पानी में घोलते हैं जिन्हें, वो सल्फाइड्स पानी में घुलने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। वो सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो हमारे बैक्टीरिया और ईस्ट इनकी ग्रोथ को डिक्रीज करता है। तो जो हमारे नाइट्राइड्स हैं वो हमारे E240 से 249 तक हैं, और जो हमारे सल्फाइड्स हैं वो E220 से 229 तक हैं। तो कहने का मतलब है ये कुछ कुछ हमारे ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो हमें कभी ना कभी यदि अपने फूड को लंबे टाइम तक रखना है तो हमें डालने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी चीज क्या है, इनसे नुकसान क्या है? जैसे बेंजोएट है, तो बेंजोएट स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए बेंजोएट जिसमें पड़ा हो उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बेंजोएट्स होते हैं वो राइनाइटिस करते हैं, कई बार अर्टिकेरिया करते हैं। आपने देखा होगा कि शरीर पे दापड़ दापड़ पड़ जाते हैं, या शीत पित्ती उछल आती है, तो वो शीत पित्ती उछलनी शुरू हो जाती है, या कई बार उन लोगों की स्किन पर फ्लशिंग, जैसे आपने देखा हो किसी ने कोई अचानक खाना खाया उसके बाद यहाँ पर उसके सब जगह रेडनेस हो गई, फ्लशिंग हो गई फेस पे या स्किन के किसी एरिया में,
और वो ऑटोमेटिकली थोड़े समय के बाद ठीक हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि आपको किसी ना किसी चीज से एलर्जी हो रही है। अब ढूंढना ये होता है कि आपको वो एलर्जी किस चीज से, हो सकता है वो कोई कपड़ा हो सकता है आपका पॉल्यूशन हो, डस्ट मटेरियल हो, पॉलन ग्रेन्स हो, या फिर खाना। तो ये चीज हमें खुद ही एनालाइज करनी पड़ती है। हालांकि हम चाहें तो एलर्जन टेस्ट भी करा लें, लेकिन एलर्जन टेस्ट कराने से भी कुछ नहीं होता कि आप सिर्फ 4-5 हजार रुपए ही अपने खराब करेंगे। बेटर है कि आप अपने भोजन पे ध्यान दें कि आपने कौन सी ऐसी चीजें खाई हैं, क्या उसमें ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल पड़ा हुआ है। तो स्पेशली जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं वो ऐसी चीजों को अवॉइड करें, उनको ना लें। एक बात अस्थमा की आई है तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमने एक लास्ट वीडियो डाला है टाइलोफोरा एस्थमेटिका और टाइलोफोरा इंडिका, जिसे हिंदी में सामान्य भाषा में कहते हैं दम बेल या अनंत मूल। ये एक ऐसा प्लांट है जो आप अपने घरों में उगा सकते हैं, और जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, राइनाइटिस है, या फिर अर्ली अस्थमा है, वो लोग इनको प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सरल तरीका है उसको यूज करने का, उसको आप ट्राई करके देखें। और जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो हम उसके इन फ्यूचर अस्थमा के पेशेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं कर्ण वेधन। मैं इन फ्यूचर एक वीडियो भी अपना यूट्यूब पे डालूंगी इस बारे में, ताकि आप उस प्रोसीजर को समझ पाएं। जैसे आप कान छिदवाते हैं अपना, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर नर्व को हम पियर्स कर देते हैं, जिससे जिसकी वजह से काफी हद तक अस्थमा में रिलीफ होता है। आप ये समझ लें कि जो लोग लगातार स्टेरॉइड्स लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं, उनके अंदर भी बेनिफिट होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो ऐसे लोग इन फ्यूचर चाहें तो मुझसे परामर्श कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे प्रिजर्वेटिव की, तो दूसरी बात आती है हमारी जो थे कहना चाहिए सॉर्बेट्स। सॉर्बेट्स भी जो हैं वो हमारे अर्टिकेरिया करते हैं और साथ में डर्मेटाइटिस की भी प्रॉब्लम करते हैं। आप देख रहे हैं कि दिन प दिन आजकल दो चीजें बहुत बढ़ती जा रही हैं। आपने नोटिस करा होगा कि एक तो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत इंक्रीज हो रही हैं और कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी होते हैं और अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो गया है, तो ऐसा क्यों है? आप सोच के देखें। ऐसा नहीं है कि हमारे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं या हमारी पैथो लैब्स हैं वो इंक्रीज हो गई। पर लोग ये कह देते हैं कि भाई पहले तो ऐसे साधन ही नहीं थे जो डायग्नोसिस हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, और बीमारियां और टिपिकल होती जा रही हैं। उनका इलाज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमने अपने आप को ही कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। यदि हम अपने आप को सामान्य रखें, एक सिंपल लाइफ व्यतीत करें, तो बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकेंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे अब तीसरा हमने जो प्रिजर्वेटिव लिया था वो थे हमारे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं, जो लोग अधिकतर मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ये जहां मीट का उनको प्रिजर्वेशन करना होता है वहां वो लोग नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का यूज करते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं, इनकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है, इचिंग हो सकती है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब होता है कि सडनली पेशेंट शॉक में चला जाता है। जैसे कई बार कुछ लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे सडनली उनको कोई ततैया काट ले, तो उसकी वजह से भी वो शॉक में जा सकते हैं। इस तरीके के उनकी बॉडी के अंदर एंटीजन्स बन जाते हैं तुरंत, कि जिसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस उनको हो जाता है। तो आपको क्या करना है? ये नॉर्मली हम ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं वो भोजन के अंदर सड़न को रोकते हैं। जितने लोग ये जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, उनमें संभावना होती है एक डिजीज होने की, जिसको हम बोलते हैं बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म में नॉर्मली क्या है
कि ये जो हमारे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं वो हमारे शरीर में जाकर जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं जब हम उनको हैवी हीट पर पकाते हैं ऐसे भोजन को, जैसे आपने माना मीट को कुक कर रहे हैं आप, बहुत हाई हीट पे आपने कुक करा, तो वो उसकी जो प्रोटीन है उसके संग ये रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने की वजह से ये एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस को बना देते हैं। वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हमारा कहलाता है एन नाइट्रोजामीन। तो उसको ये हमारी बॉडी के अंदर डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लिवर कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, और ईसोफेगस का कैंसर भी हो सकता है। जिसको हम सरल भाषा में कहें तो आपको खाने की नली की बीमारी, आंतों की बीमारी, या फिर जिगर और तिल्ली की बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि आप जो भी जितने भी लोग यदि नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो कोशिश करें कि हम किस तरीके से आप जो नॉन वेज फूड ले रहे हैं उसको अवॉइड ही करें, और ये देखें कि हो सकता है वो किसी ऐसे डिजीज्ड एनिमल का ना हो, क्योंकि वो डिजीज्ड एनिमल भी आपके अंदर ही जाएगा। तो हम केवल अपने टेस्ट के लिए उसमें स्पाइसेस डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम किसी से कह दें कि जैसे आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, उनके पास फायर नहीं थी, तो क्या हम उस चीज को खा सकते हैं? यदि आप उसे नहीं खा सकते, तो जो भगवान ने आपको प्रकृति में इतने फ्रूट्स, इतनी वेजिटेबल्स और खाने की चीजें दी हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं खाते? तो कोशिश करें कि आप जितने भी लोग हैं वो वेजिटेरियन बने, और ताकि आप इस तरीके के प्रिजर्वेटिव से, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से बच सके। फिर जो हमारा नेक्स्ट और प्रिजर्वेटिव हम जो यूज करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि हम सल्फाइड्स भी लेते हैं, तो जो अंकुर जी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि जो एडेड कलर्स वाला, नॉर्मली अंकुर जी हम कलरिंग के लिए, जो आपने देखा होगा कि हरी मटर, सफल की मटर आप यूज करते हैं, जो पैकेट्स आते हैं वो इतने ग्रीन क्यों होते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे उनके कलर्स होते हैं, तो उसमें अधिकतर जो कॉपर सल्फेट होता है उससे उसकी वो कलरिंग करते हैं। कलरिंग प्रोसेस तो उनका जो भी होगा वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं भी उस विषय में अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। तो जब हम वेजिटेबल्स में ये कलरिंग के लिए हम सल्फेट्स और सल्फाइड्स को मिला देते हैं, तो उससे हमारी कलरिंग एनहांस हो जाती है। और ये चीजें जब आप खाते हैं तो होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है हमारी बॉडी में जाकर के इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स जो है आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जाकर के हार्मफुल इफेक्ट्स करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि जहां पर आपने देखा होगा कई बार जैसे शादी वगैरह में हम जाते हैं तो वहां पर सलाद कटा रखा होता है, या फ्रूट चाट के स्टॉल्स होते हैं। तो कोशिश करें कि यदि वहां आप, क्योंकि वो लोग एक साथ तो इतनी चीजें बना नहीं सकते हैं भाई, शादी में कम से कम 50-100 आइटम रखे जाते हैं आजकल, ऐसा तो होता नहीं कि भाई 4-5 आइटम बनाने हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर ये जो कॉपर सल्फेट होता है उसका स्प्रे मार देते हैं। उससे क्या होता है, वो फ्रूट्स हमारे, फ्रूट वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश दिखाई देते हैं, कि जैसे कि अभी तुरंत कटे हुए हैं, सैलेड है वो अभी तुरंत कटा हुआ है। तो कोशिश करें कि इन सब चीजों को अवॉइड करें और सोच समझ के खाएं, उस समय जो ऐसे कटे हुए चीजें होती हैं उनको आप ना लें। फिर जो हमारे एक और आते हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, जो है हमारे प्रिजर्वेटिव में पैराबेन्स। पैराबेन आजकल हम खाने के साथ साथ जो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसमें भी पैराफीन और पैराबेन, ये दो चीजें पड़ी होती हैं। जितनी आपकी कंपनीज आ रही हैं, यदि आप उनका कंपोजिशन देखेंगे, उनके पढ़ेंगे उसमें, तो नेचुरल चीज के अलावा, जैसे आप कोई भी क्रीम बना रहे हैं घर पे, तो वो नेचुरली उतनी अट्रैक्टिव बनी नहीं सकती जब तक कि उसमें कुछ ना कुछ थिकनिंग के लिए या कुछ ना कुछ स्टेबिलाइजेशन के लिए आप उसमें एजेंट ना डाले हो। बल्कि उसमें लिखा भी होता है, यदि आप पढ़ेंगे कि ये स्टेबलाइजिंग एजेंट है, ये थिकनिंग एजेंट है, ये इमल्सीफायर है, ये इस कोडिंग का है। मैक्सिमम उसमें केमिकल्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो यदि आपको कोई प्रोडक्ट यूज करना है
तो आप उसमें पैराफीन और पैराबेन फ्री कॉस्मेटिक्स यूज करिए जो आपकी स्किन के लिए बेटर रहे, और क्योंकि ये पैराफीन पैराबेन इन फ्यूचर जाकर के हमें स्किन कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप भोजन में नहीं यूज करते हैं तो ये स्पर्म काउंट को भी कम करते हैं। जो मैं आपसे कह रही थी इनफर्टिलिटी, स्पेशली मेल और फीमेल दोनों केसेस में ये इनफर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को भी करते हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में लेना चाहूंगी कि आपने नाम सुना ही होगा कि ड्राई आइस, जैसे जो कोल्ड स्टोरेज में हम कई बार के आलू रख देते हैं या लो टेम्परेचर पे हम स्टोरेज कर देते हैं, या फिर जहां आपको फूड प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है वहां पर हम CO2 का यूज करते हैं। अब CO2 ऐसा तो है नहीं कि आप गैस की तरह वहां पर छोड़ देंगे, किस फॉर्मेट में होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है CO2, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राई आइस, उसके अंदर हम उस चीज को रख करके और पैकिंग कर देते हैं ताकि वो चीज सड़ने से बच जाए। तो ये क्या करती है, नॉर्मली ये जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उनको तो रिड्यूस करती ही है, साथ में ये आपके जितने मोल्ड्स हैं, ईस्ट हैं, इनकी भी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। बल्कि जितने आपके 5 से 10% जितने प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो वैरायटीज हैं, वो इसी पर डिपेंड करते हैं कि मैक्सिमम चीजें ये CO2 के अंदर ही प्रिजर्व कर दी जाती हैं। तो जब हम ज्यादा इसको प्रयोग करते हैं तो कई बार हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डिजीनेस, ये परेशानियां होती हैं जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि ये एक प्रकार के दूषी विष हैं। दूषी विष का मतलब है कि जो धीरे धीरे आपके शरीर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जो एक दिन में कोई असर नहीं दिखाते, इनको असर दिखाने में आपको बरसों लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इधर चाहे वो आपके किसी फॉर्म में हो, कभी आपको सिर में दर्द करेंगे, कभी आप कहेंगे कि मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वेट कम होता जा रहा है, मुझे जल्दी थकान हो जाती है, या कभी कभी मेरे जो है वो मुझे नॉजेटिक फीलिंग होती है, उल्टी आने जैसा मन करता है, जी कच्चा कच्चा रहता है। तो ये सारे लक्षण जब हमें दिखाई देने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, आप जो जो लक्षण बताते जाएंगे उसकी एक एक दवाई आपको लिखता जाएगा, और फिर उन दवाइयों को जब आप लेंगे उसके साइड इफेक्ट्स, फिर उसके साइड इफेक्ट्स की को खत्म करने के लिए हम फिर एक नई दवाई और शुरू कर देते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने भोजन पर ध्यान दें। तो ये जो हमारे कहना चाहिए प्रिजर्वेटिव्स थे, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हमारी आती हैं, जो आपके कहना चाहिए स्वीटनर्स आप यूज करते हैं, आपने नाम सुना होगा आजकल हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि चीनी खाने से तो मोटे हो जाएंगे। तो अभी हम ऐसे स्वीटनर यूज करते हैं, जैसे किसी को अपनी फिगर मेंटेन करनी हो तो हम क्या करेंगे कि ऐसे स्वीटनर यूज करेंगे जिसमें कैलोरीज ना हो और हमें चीज मीठी भी लगे। तो दो तरीके के स्वीटनर होते हैं, मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगी आपको, जो हम कहें कि एक होते हैं न्यूट्रिटिव टाइप के, एक होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब जो आपके शरीर में कैलोरीज देते हैं, और नॉन न्यूट्रिटिव जो कैलोरीज ना दें या जीरो कैलोरी हो। अब न्यूट्रिटिव में हमारे कौन से आएंगे, जैसे कि आपकी सुक्रोज है, ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज है, फ्रक्टोज है, या फिर आपके जो हाई फ्रक्टोज सिरप्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो नॉन कैलोरी फ्रूट्स हैं हमारे या स्वीटनर्स हैं, उसमें आपने देखा होगा सैक्रीन या एस्पार्टेम। सैक्रीन का प्रयोग आपने देखा होगा जितने ये हमारे वेंडर्स होते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले, या जहां पर जिनको चीनी, क्योंकि चीनी ओरिजिनली यदि वो डालेंगे तो सैक्रीन तो बहुत सस्ती आती है, और सैक्रीन लगभग चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठी होती है, कि आपने उसकी हल्की सी भी मात्रा डाल दी तो वो आपके भोजन को बहुत ज्यादा मीठा कर दे। लेकिन ये जो चीजें हैं वो कहना चाहिए
इनको कहेंगे हम जैसे हम कहते हैं ना किसी के लिए कि आपको स्लो पॉइजन, इस तरीके के ये हमारे शरीर में वर्क करते हैं। बहुत सारे डायबिटीज के लोग जो होते हैं वो आपने देखा होगा शुगर फ्री नहीं, वो बेचारे चीनी वाली चाय नहीं पी पाते तो वो शुगर फ्री डाल डाल के पीते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी हैबिट बनाएं कि आप शुगर फ्री चाय पिए। बल्कि जिनको डायबिटीज ना हो वो भी कोशिश करें कि स्वीट अपनी डाइट में से थोड़ा कम करें, क्योंकि चीनी जिस तरीके से क्लीन करी जाती है, यदि वो मेथड आप देख लेंगे तो आप चीनी खाना ही बंद कर देंगे। इसके लिए बेटर था कि पहले जमाने में हम लोग क्या यूज करते थे, या तो गुड़ यूज करते थे बिना मसाले का गुड़, या आप शर्करा यूज करते थे जिसे आप शक्कर या खांड बोलते थे। तो ये जो शक्कर खांड या फिर जो बिना मसाले वाला गुड़ होता था ये हमारे ओरिजिनल स्वीटनर्स थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं जितनी ज्यादा सफेद चीनी उतना ज्यादा उसका केमिकल प्रोसेसिंग हो रखी है। तो जितनी चीजें हम केमिकल प्रोसेसिंग में लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट देंगी कभी ना कभी। तो आप कोशिश करें कि इस चीजों को या शुगर फ्री पाउडर को आप तभी यूज करें जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे माना आपने खीर बनाई है कोई, या आपको कुछ हलवा वगैरह खाना है, तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में डाल लें, रूटीन में उसको ना हैबिट डालें कि आप ऐसे स्वीटनर्स लेने की। इसी तरीके से एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, एक आते हैं हमारे इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर जो है जैसे नेचुरल इमल्सीफायर हम कहेंगे कि जो हमारा दूध है, अंडे हैं, सोयाबीन है, और इनके अंदर लेसिथिन नाम का एक नेचुरल इमल्सीफायर होता है। ये इमल्सीफायर क्या करता है कि नॉर्मली पानी और ऑयल को यदि आप कभी मिला के देखें तो वो मिलेगा नहीं आपस में, उसकी एक परत सी जम जाएगी। तो ये इमल्सीफायर क्या करते हैं, ये जो टेक्सचर होता है उस प्रोडक्ट का उसको इम्प्रूव कर देते हैं, और थोड़ा जो उसका मटेरियल है, जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है, उसके वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भोजन जहां पर आपको जरूरत है उन चीजों को, थिकनिंग उनकी इंक्रीज करने की, या आप जब ये आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा यदि आप अपनी एक हैबिट बना लेंगे कंपोजिशन चेक करने की, तो आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि, क्योंकि आजकल नेट है सबके पास। इस सेशन में तो मैं इतना ज्यादा आपको नहीं डिटेल बता पा रही हूँ, लेकिन यदि आप उन्हें देखना शुरू कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को अपने आप ही खाना छोड़ देंगे। तो ऐसे इमल्सीफायर्स हम यूज करते हैं, वो भी नुकसान देते हैं हमें। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे कहना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन को, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होना है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से उसकी हम रेंसिडिटी को कम कर रहे हैं उस फूड की, या जो उसका कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए जैसे कई बार आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो वो तुरंत एक बढ़िया खाना बना के आपके लिए ले आता है। होता क्या है कि कुछ चीजें तो उसके पास बची जाती होंगी, कोई जरूरी नहीं है ना कि कस्टमर एक ही दिन आए, तो वो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स अपनी ग्रेवीज में, अपने कुछ फूड प्रोडक्ट्स में डाल के रखते हैं। या फिर जो आपने देखा होगा जो रेडी टू ईट, कि आपने उसे केवल गर्म पानी में डाला मटेरियल को, फर्स्ट क्लास पनीर मसाला तैयार हो गया, या फिर आपने उसको डाला तुरंत मैगी तैयार हो गई। हम अभी एडल्ट्रेशन पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि एडल्ट्रेशन वाला टॉपिक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, कि जैसे आपने पीछे सुना था मैगी के लिए कि उसके अंदर लेड का एडल्ट्रेशन था, लेकिन बाद में वो सब जो मैटर था वो सॉर्ट हो गया। लेकिन उस विषय में भी मैं बताना चाहूंगी इन फ्यूचर, कोई नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगी आपको बताने की कि हमारे भोजन में क्या क्या एडल्ट्रेशन मिल सकते हैं और आप किस तरीके से उनको पहचान सकते हैं, कुछ साधारण टेस्ट करके या घरेलू तरीके से कुछ एडल्ट्रेशंस को आप कैसे पता कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ऑक्सीडेंट्स की, सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह हम यूज करते हैं वो है हमारे एस्कॉर्बेट्स। एस्कॉर्बेट्स ये जैसे हम आपको कोडिंग सिस्टम बता रहे थे कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स थे वो हमारे 200 नंबर से स्टार्ट हो रहे थे,
और जो हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे 300 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एक प्रश्न बीच में है, मैं उसको ले लेती हूँ। कुंवर गुप्ता जी पूछ रहे हैं, स्टीविया लीव्स यूजफुल और नॉट? कुंवर जी, मैंने यही बता रही हूँ आपको कि स्टीविया लीव्स आजकल जो हमारा लेटेस्ट उसका कंटेंट आ रहा है, जो हम बात कर रहे थे स्वीटनर्स की, तो स्वीटनर्स में आपने ध्यान दिया होगा, एस्पार्टेम मैंने वर्ड यूज करा था, तो उसकी शुगर टेबलेट्स, और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है ना कि हमारा स्टीविया के नाम से भी शुगर के लिए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं या टेबलेट्स आ रही हैं, तो मैं वही बात कहूंगी कि किसी चीज को भी जब हम यूज करते हैं, हालांकि वो एस्पार्टेम से थोड़ी बेटर है ये, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं आजकल कुछ जो एमएनसीज हैं, वो हमारी ऑर्गेनिक के नाम से बहुत सारे सिंगल हर्ब्स के कैप्सूल्स बना बना के बेचती हैं, इधर चाहे वो हम कहें कि अश्वगंधा के कैप्सूल, आंवला के कैप्सूल, या जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इस तरीके की चीजों को वो मार्केट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है भोजन को ढंग से खाने का। तो हम क्या करते हैं कि उन कैप्सूल्स को खा करके हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कि यदि हमने आज एक कैप्सूल लिया 20 रुपीज का पर डे, या हमने एक प्रोटीन शेक ले लिया जिसकी कॉस्ट हमारी आ रही है कि आज इसको आप डाल रहे हैं डेली रूटीन में, आपको 20 या 25 रुपए का एक उसमें आपने मिक्स कर दिया एक स्पून, तो ऑटोमेटिकली एक हमारा मेंटल सेटअप इस तरीके का बन गया है, तो हमें अपने आप ही एनर्जी आने लगती है कि हाँ भाई आज हमने ये पी लिया, और आज हमने आज नहीं पिया तो आज मैं थोड़ा कमजोर हूँ। तो बात जो आप स्टीविया लीव्स की कह रहे हैं, इन्हें आप ले भी सकते हैं, यदि आपको नेचुरली ये लीव्स अवेलेबल हो जाती हैं तो और भी बेटर है। अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें कि स्वीटनर्स को बहुत ज्यादा ना लें, लेकिन कभी कभी तो देखिए लेना ही पड़ता है इन चीजों को, तो इनको आप ले भी सकते हैं। तो दोबारा मैं अपने टॉपिक पे जाना चाहूंगी, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे हैं वो हमारे आते हैं जो 300 से लेके स्टार्ट होते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे हमारे टोकोफेरॉल्स आते हैं, लैक्टेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं और सक्सिनेट्स हैं। इनकी हम डेप्थ में नहीं जाते, ये हमारे सब, कोशिश करिए आपकी लगभग 300 से लेके 370 तक जितनी हमारी ई कोडिंग होती है, यदि आपको इसके बीच में कुछ कोडिंग लिखी हुई मिलती है तो इट मीन्स उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पड़ा हुआ है। जो हमारे एस्कॉर्बेट्स होते हैं, स्पेशली जो आपने देखे होंगे जूसेस मिलते हैं मार्केट में, जैसे रियल का जूस हो गया या किसी भी कंपनी का, तो वो जितने भी जूसेस होते हैं उनको कलर को प्रिजर्व करने के लिए वो ये E301 करके हमारा प्रिजर्वेटिव नंबर होता है, E301। आप चाहे तो कभी जूस वगैरह लाएं तो उस पर चेक करें, तो ये आपको मिल सकता है। साथ में जो हमारे टोकोफेरॉल्स होते हैं, ये स्पेशली विटामिन ई के इनके अंदर होता है, जो बॉडी टिश्यूज को डैमेज से बचाते हैं। तो इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स को भी हम अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, लेकिन ये जितनी भी हमारी जूसेस होते हैं, स्पेशली वो क्या है, कंसंट्रेटेड शुगर सिरप से। तो यदि आप फ्रेश जूस ले लेते हैं तो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसके दो फायदे हैं, एक तो वो फ्रेश है, दूसरा उसमें कोई प्रिजर्वेटिव या एडिटिव नहीं है, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि आप फ्लेवरिंग के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसा पहले भी प्रश्न उठा था, इसके अलावा हमारे जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनको आप यूज करते हैं, इसमें थिकनर्स हम यूज करते हैं, जहां आपने देखा होगा बच्चे जो जेलीज खाते हैं, या ये आप च्युइंगम्स होती हैं जिनको आप चबाते समय जिनमें एक पर्टिकुलर एक थिकनिंग आती है, तो इसके लिए भी कई बार हम यूज करते हैं पेक्टिन्स, और इसमें गम यूज करा जाता है, अकेसिया गम या फिर जिलेटिन। अब एक चीज और यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ये जितनी भी चीजें हैं वो वेजिटेरियन है, क्योंकि आपने अधिकतर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा वो ग्रीन लेबल लगा होता है और कुछ प्रोडक्ट्स पे रेड लेबल लगा होता है, तो हम जैसे ही देखते हैं कि ये ग्रीन लेबल लगा हुआ है हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि क्या वो ग्रीन लेबल लगे हुए प्रोडक्ट भी पूरी तरह वेजिटेरियन है या नहीं है। तो मैं इस विषय को आपसे
नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी कई प्रकार की कोडिंग ऐसी होती है जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो फूड प्रोडक्ट आपका वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी जो उसके अंदर हम लिखते हैं वो हमारे फ्रूट मतलब प्लांट से भी मिलती हैं और एनिमल से भी मिलती हैं, लेकिन वो चीजें हमें प्लांट से तो कम मात्रा में मिलती हैं और एनिमल से हमें अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो हम करते क्या है, जो कंपनीज होती हैं वो उसको निकालती एनिमल से हैं, उसके बाद उसको उसमें डालेंगी और फाइनली उसमें लेबल लगाना होगा, तब हम दिखाएंगे कि हमने इसको प्लांट से निकाला है। तो आप जब उसका कंपोजिशन पढ़ने की हैबिट डालेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके विषय में मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में बताना चाहूंगी। और एक चीज और कहूंगी कि कई बार हम लोग कुछ उस कलर को, आपने देखा होगा कई बार बड़े अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं भोजन के, तो उनको कलरिंग करने के लिए हम कुछ डाइज भी यूज करते हैं, जैसे स्पेशली टार्टराजीन, इनका प्रयोग उसमें करा जाता है डाइंग करने के लिए। तो आप जब भी कभी, चाहे वो पैक्ड मटेरियल हो चाहे अनपैक्ड मटेरियल हो, उसको आप लेते हैं तो आपको उसे लेने से पहले, जैसे आपकी आदत होती है जब भी हम लेते हैं उसके प्राइस देखते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी देखते हैं, उसी तरीके से आप हैबिट डालें कि आप उसका कंपोजिशन भी जरूर देखें। तो आशा करती हूँ कि आपको इस सेशन में मैंने आपको कुछ ना कुछ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, फूड प्रिजर्वेटिव्स की जो हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं उनके बारे में बताया। यदि आपका कोई और प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। एक चीज और मैं आपसे छोटी सी बात अंत में कहना चाहूंगी कि हम लोग कई बार, आपने देखा होगा कि एक हम वेजिटेबल ऑयल के नाम से हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक प्रश्न मुझसे अभी इस सेशन से रिलेटेड ही लास्ट सेशन में किसी ऑडियंस में से पूछा था उन्होंने कि क्या हम डिफरेंट टाइप के ऑयल्स को अपने भोजन में कैसे ला सकते हैं। जैसे आजकल तरह तरह के आप देख रहे हैं, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, या सिंपल रिफाइंड ऑयल्स हैं हमारे, मूंगफली का तेल है, या फिर हमारे क्या कहना चाहिए, बहुत सारे हमारे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है। हम लोग कहते हैं कि आपको जो जिसमें अनसेचुरेटेड फैट कम हो उस तरीके के ऑयल्स को आप इस्तेमाल करें। तो अभी मैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, तो मैं इन शॉर्ट ये कहूंगी कि जितने आपके कहना चाहिए ये जो प्रिजर्वेटिव हैं, इसमें दो तरीके के प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं BHA और BHT। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और जो दूसरे हमारे होते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूमीन। ये जो हमारे दोनों तरीके के प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो आपने नाम सुना होगा मार्जरीन, इसमें जो ऑयल की रेंसिडिटी को कम करने के लिए उन्हें डाला जाता है ताकि ऑयल वो सड़े ना और रिलेटिवली वो स्टेबल रहे। कई पहले हम लोग जो डालडा इस्तेमाल करते हैं, तो डालडा अभी भी आता है, उसमें भी हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ फैट को वो मिला देते हैं, और उसमें अधिकतर क्या होता है, एनिमल फैट को ही उसमें मिक्स करा जाता है। तो हमें नॉर्मली कोशिश करनी चाहिए कि आप केवल, यदि आप देसी घी का इस्तेमाल करें तो बेहतर है, उसमें भी यदि आप गाय के घी आपको मिल जाता है, शुद्ध मिल जाता है, तो अच्छी बात है। यदि आप अपने घर पे उसको निकाल सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, चाहे हम कोई सा भी ऑयल हो, राइस ब्रान हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे कोई भी ऑयल हो, अलग अलग ऑयल्स को यूज करने से भी कुछ ना कुछ हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं,
कुछ लोगों को प्रकृति के अनुरूप भी इन इस तरीके की चीजों को यूज करने में नुकसान होता है। एक प्रश्न मुझसे पिछले सेशन में एक और आया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने ये पूछा था कि हम क्या अलग-अलग प्रकृति के अनुरूप भोजन को बनाने के लिए, हमारे घर में यदि चार तरीके के लोग हैं तो क्या हम चार तरीके का भोजन बनाएं। तो इस विषय में भी हम एक कोशिश करेंगे आगे एक प्रकृति पर एक सेशन रखें कि ताकि आप उसे जान पाएं कि आपकी नेचर कैसी है। और यदि आप कोई डिटेल उससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, अपने विषय में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस हम एक छोटा सा कंसल्टेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट पे रहता है, जिसको फिल करने के बाद उसमें यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसे फिल करते हैं, तो आपकी प्रकृति एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट हम आपको देते हैं। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें शेयर कर रही हूँ। आप इस पे व्हाट्सएप करके यदि आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी हमारा कोई लाइव सेशन नेक्स्ट वीक में जिस भी दिन होगा, तब मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगी और आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप हमारी वेबसाइट pranayatan.in पर जाकर के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस सेशन में पूरे समय जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद कि आपने इतना अपना कीमती समय निकाल करके इस सेशन को ज्वाइन करा। क्योंकि फूड एक्चुअली हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि इसे आप अपने व्यवहार में लाएंगे और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी एनकरेज करेंगे कि वो भी इस तरीके की जानकारियों को सुने और उसे अपने व्यवहार में लाएं। हमारा जो प्राणायतन आयुर्वेद है, उसका हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम किसी न किसी माध्यम से सामान्य जनता को सरल शब्दों में जागरूक कर पाए। पुनः एक बार मैं फिर सभी का धन्यवाद करती हूँ।